हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज हम आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 4 शब्द रचना पढ़ाएंगे। उसके अंतर्गत क्या पढ़ाएंगे हम? शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स। ओके, तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले उपसर्ग, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कुछ भी, जो भी शब्दांश होते हैं, शब्दांश यानी कि शब्द का छोटा सा हिस्सा, जैसे कि आ, उप, नी, परि, प्र, वी और सम, ये उपसर्ग हैं और ये मूल शब्द हैं। तो आहार, तो आहा, आ और हार मिलके क्या बन गया? आहार। तो एक नया शब्द बन गया। हार का मतलब आपको पता ही है, दो मतलब होते हैं, एक तो गले में पहनने वाला जैसे कि होता है, और एक हार यानी कि लॉस। तो नया शब्द बना आहार और इसका मतलब होता है खाना। तो उपसर्ग लगा, शब्दांश जुड़ा और उसका अर्थ में परिवर्तन हो गया, ठीक है। इसी तरह से कुछ उपसर्ग हैं ये, जैसे उपहार यानी कि भेंट, निहार, निहार यानी कि पाला, परिहार यानी कि परिहार यानी कि त्याग, परिहार कर दिया, प्रहार यानी कि चोट या वार, विहार सैर, संहार यानी कि संहार यानी कि नाश। कहते हैं ना, राम ने रावण का संहार कर दिया यानी कि उसका नाश कर दिया। तो मतलब नया हो गया हार का। देखो कितने सारे इसके मीनिंग होते हैं, और संहार मतलब नाश। फिर आता है उपसर्गों का वर्गीकरण। उपसर्गों का वर्गीकरण क्या होता है बच्चों? उपसर्गों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। हिंदी में जो प्रयोग होते हैं उपसर्ग, उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है संस्कृत के उपसर्ग, जो इस तरह से हैं, कुछ जो देखो आपकी बुक में हैं, बहुत सारे दिए हुए हैं। आप अच्छे से इनको याद करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे इसको सही तरह से प्रयोग कर सकेंगे। तो जो संस्कृत, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के प्रमुख उपसर्ग निम्नलिखित ये रहे। आपको 2-3 मैं बताती हूँ उदाहरण। अति यानी कि बहुत, इसका अर्थ होता है बहुत, और इसके प्रयोग से बने ये शब्द हैं, देखिए, अति प्रिय, अतिक्रमण, अतिशयोक्ति और अत्यंत। एक और ले लेते हैं कोई सा भी, ये है देखिए अभी, अभी लेते हैं हम, अभी और सामने, अर्थ क्या है इसका? सामने, अभिमुख यानी कि सामने मुख, ठीक है। अभिभाषण, अभिवादन और अभिमान, इसका अर्थ है सामने, अभी का, और अभिमुख, अभिभाषण, ये सब इसके परिवर्तित रूप हैं। समझ आया? देखिए काफ़ी हैं इसमें संस्कृत के भी उपसर्ग आपके, आप इन सबको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद आता है हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के हो गए, अब आते हैं हिंदी के उपसर्ग। तो बच्चों हिंदी के उपसर्ग में अ, अध, अन, उन, क, कु, दी, न, स और सु, और इनके अर्थ हैं ये, नहीं, आधा, नहीं, एक, कम, बुरा, बुरा, कठिन, रहित और अच्छा। इनसे क्या शब्द बनते हैं? जैसे कि हम कोई भी ले लेते हैं, एक चलिए अन ले लेते हैं, अन, अन से बनता है यानी कि नहीं, अनखिला यानी कि जो अभी नहीं खिला, बिना खिला हुआ, जो नहीं खिला, अनजान, नहीं जानने वाला, अनजान, अनदेखा, ना देखा हुआ, अनहोनी यानी कि जो नहीं होनी चाहिए थी, अनहोनी, नहीं होने वाली अनहोनी होती है। तो ये इसका अर्थ हो गया देखिए, और यहाँ पे प्रयोग हो गया। इसी तरह से ये अर्थ में परिवर्तन बच्चों कर देते हैं। फिर आपका नंबर 3 आता है उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? गति शब्द। जो शब्द संस्कृत के उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं वो गति शब्द होते हैं, जैसे अ यानी कि अभाव, अ का मतलब होता है अभाव, कैसे? अकाल, बिना काल के अभाव है, अकाल पड़ गया, जैसे कहते हैं ना उसको, वहाँ पे किसी भी जगह पे खाने का अकाल पड़ गया, तो
वहां पे उस खाने का क्या हो गया, अभाव हो गया, खाना वहां पे कम हो गया, तो यह इसका अर्थ हो गया। अटल, अटल यानी कि जो टल नहीं सकता, अपूर्ण अधूरा यानी कि अभाव है, पूर्ण होने में अभाव है। अमर, अमर जो कभी मरता ना हो, यानी कि मर नहीं सकता, वो मरने में उसके अभाव है। ठीक है, ये देखिए ये गति शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। देखिए ये काफी है, अन, अध, अंत, कु, चिर, तत, पर, पुनः, पूर्व, बहु, सत, सह और स्वा, ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं, वो उपसर्ग जिन्हें गति शब्द कहा जाता है। ठीक, अब आता है बच्चों अरबी और फारसी के उपसर्ग। अरबी और फारसी के भी उपसर्ग होते हैं हिंदी में जो प्रयोग होते हैं। कौन कौन से हैं? कम, खुश, गैर, ना, बद, बे और ला। इनका अर्थ ये लिखा है, थोड़ा, अच्छा, बिना, बिना, बुरा, बिना, बिना। जैसे कम अक्ल, जिसकी कम अकल होती है, कम खर्च, कमजोर, कम वक्त, ये सब जो भी शब्द हैं वो अरबी और फारसी के ही हैं और ये उपसर्ग भी अरबी और फारसी के हैं। गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, गैर जरूरी और गैर हाजिर, ये सभी शब्द बच्चों उर्दू और फारसी के हैं, अरबी और फारसी के हैं। तो आप इनको अच्छे से लर्न करना कि कौन सा शब्द है, कौन सा उपसर्ग लगा है, अरबी का है, फारसी का है ना, संस्कृत का है, तो ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे ठीक से। फिर आता है आपका प्रत्यय। अभी आपने उपसर्ग पढ़ा, अब आप पढ़िए प्रत्यय। प्रत्यय यानी कि सफिक्स, जो शब्दांश शब्द के अंत में उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, ये शब्दों के अंत में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं, जैसे कि देखिए है ना, कम, ये पहले लग रहा है ना, अकल कम थोड़ी है, कम अकल है तो पहले लगता है। प्रत्यय बाद में लगता है शब्द के पीछे, किस तरह से देखिए, मूल शब्द प्रत्यय और यहाँ पे नया शब्द, ये आपका उदाहरण देखिए, लड़का, मूल शब्द क्या है हमारा, लड़का। लड़का क्या है, एक संज्ञा है, इसमें प्रत्यय जुड़ गया हमने पन, तो इसका नया शब्द क्या बना, लड़कपन। ये भाववाचक संज्ञा है लड़कपन, लड़का तो संज्ञा है लेकिन लड़कपन बन गया तो वो भाववाचक संज्ञा बन गया। कड़वा, आहट जुड़ गया इसमें तो क्या हो गया, कड़वाहट। जैसे ही कड़वा संज्ञा विशेषण शब्द है लेकिन कड़वाहट बनते ही वो क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। अच्छा एक विशेषण है, अच्छाई भाववाचक बन गया। लिख एक क्रिया है, लिखाई एक भाववाचक बन गया। तो कितना अंतर हो गया देखिए अर्थ में, तो प्रत्यय और उपसर्ग जो है शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब प्रत्यय के भेद, जैसे कि उपसर्ग के चार भेद थे, ऐसे ही प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये दो भेद होते हैं प्रत्यय के। कृत प्रत्यय क्या होता है, जो प्रत्यय धातु के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। जो धातु में लगता है, धातु तो आपको पता ही होता है ना, जैसे पूज, पूज में आ जुड़ गया तो बन गया पूजा। बिकना, आऊ, बिकाऊ। पढ़, आखू, पढ़ाकू। जैसे आपने पढ़ा होगा संस्कृत में पट धातु के रूप लिखिए, तो पट क्या है, धातु है, पढ़ यानी कि उसका मतलब क्या होता है, पढ़ना, तो जैसे कि पढ़, तो ये धातु है, इसके पीछे हमने आखू जोड़ दिया जो प्रत्यय है और क्या बन गया, पढ़ाकू। ठीक है, कृत प्रत्यय से बने शब्दों को, और जो शब्द कृत प्रत्यय से बनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, कृदंत। जो शब्द कृत प्रत्यय से बनते हैं उन्हें कहते हैं कृदंत, ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, धातु के अंत में जो लगे कृत प्रत्यय हो गए और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत हो गए। ठीक है, फिर आता है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण आदि के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। एक बार फिर बताती हूँ, जो प्रत्यय संज्ञा और विशेषण आदि के अंत में लगकर
नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे पुरुष त्व पुरुषत्व, वर्ष इक वार्षिक, मधुर प्लस ता मधुरता। अब देख तद्धित प्रत्यय, पुरुष क्या है संज्ञा है, मधुर क्या है विशेषण है, इसके पीछे प्रत्यय लगा तो तद्धित प्रत्यय हो गया पुरुषत्व, वार्षिक पुरुषत्व मधुरता, ये सभी संज्ञा है और ये क्या कहलाएंगे तद्धित प्रत्यय। अब हम करते हैं प्रत्ययों का वर्गीकरण। अब बच्चों हिंदी के प्रत्ययों को तीन वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। संस्कृत के प्रत्यय सबसे पहले पढ़ लेते हैं। हिंदी के अधिकतर प्रत्यय भी संस्कृत से ही आए हैं, जैसे कि उपसर्ग प्रत्यय से आए हैं ऐसे ही प्रत्यय भी संस्कृत के से ही आए हैं। उनमें से कुछ प्रत्यय नीचे दिए गए हैं, जैसे कुछ हैं, सारे नहीं दे सकते। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, अना ती आ या ई और सा, जैसे कि अना यानी कि घट, अना घटना, रच अना रचना, सूच अना सूचना। देखिए ये आपको अच्छे से लर्न करना है, बार बार पढ़ेंगे बार बार लिखेंगे प्रैक्टिस करिए तो आपको सब याद हो जाएगा। खा है आपका कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, अक इक अन त्र त्रि, ये रीरी वाला जो लगा है नीचे इसको बोलते हैं त्रि, यानी कि ई की मात्रा होता है, जैसे कृत त्रि, तो अक यानी कि कार में जुड़ गया अक, तो कारक दर्शक पाठक लेखक, लेख में अक जुड़ा खक। इसी तरह से आपको ये वर्क करना है। उसके बाद आता है बच्चों भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय आ गए, यानी कि ए आ ता, ये क्या होता है तद्धित जो किस में लगता है संज्ञा में, तो कौशल अल गरिमा इमा, गर में इमा, महा में इमा, लाल में इमा, ठीक है। त्व गुरुत्व लघुत्व पुरुषत्व बंधुत्व, ये क्या है आपका तद्धित प्रत्यय। अब है विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, अनिय त्व तव्य, करणीय दर्शनीय पठनीय स्मरणीय, ये सब क्या है विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। तव्य यानी कि कर्तव्य ज्ञातव्य और दातव्य। फिर है आपका विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, ये प्रत्यय हैं इक इत इन या तम मय मान वान वी, दैनिक साप्ताहिक मासिक भौगोलिक। देखिए इतम ले लेते हैं हम, कठिनतम गुरुतम मृदुतम मधुरतम, फिर वान गुणवान बलवान धनवान भाग्यवान, ठीक है। ये आपके हो गए तद्धित प्रत्यय, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, ठीक। उसके बाद आपका आता है क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, विशेषतः संभवतः स्वतः साधारणतः, ये प्रत्यय से बने हैं क्रिया विशेषण वाले तद्धित। पूर्वक जुड़ता है तो दयापूर्वक दृढ़तापूर्वक न्यायपूर्वक, ये इसके हो गए। अब है स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनाने वाले जैसे कि आ इका और ई, बाला अगर हम लिख देते हैं बाल तो वह हो गया पुल्लिंग, फिर हमने बोला बाला यानी कि यह स्त्रीलिंग है। प्रिय किसको बोल सकते हैं, प्रिया लिखा है तो वह स्त्रीलिंग है। सुशील पुल्लिंग, सुशीला आ लग गया तो स्त्रीलिंग। इका जैसे दूसरा लिखते हैं, शिक्षक है इक है तो पुरुष, इका है शिक्षिका यानी कि स्त्रीलिंग। ई किशोरी पुत्री ब्राह्मणी विदुषी, इसमें ई लग गया तो यह बन गया स्त्रीलिंग प्रत्यय। अब हिंदी के प्रत्यय नंबर दो, अभी तक आपके किसके चल रहे थे, ये संस्कृत के प्रत्यय चल रहे थे, अब आ गए आपके हिंदी के प्रत्यय। हिंदी के
प्रमुख प्रत्यय निम्नलिखित हैं, भाववाचक बनाने वाले, कृतवाचक बनाने वाले, कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले। ठीक, आ, आई, अन, आन, आव, आवा, आवट, आहट और ई। तो इसमें से हम कुछ लेंगे, कोई सा भी उदाहरण लेंगे। आई तो खुदाई, चढ़ाई, पढ़ाई, सिलाई। ठीक है, इसी तरह से आपको ये याद करना है। फिर कृतवाच्य वाले प्रत्यय हैं आपके, आँख, आका, एरा, ओड़, ओड़ा, वाला। ठीक है, आँख यानी कि तैराक, उड़ाका, धमाका, लड़ाका, ये सभी कृतवाचक बन गए ना, ये जो थे प्रत्यय से बने थे, कौन से? कृतवाचक। सही है, कृतवाचक। अब है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय है आ, आई, आहट, ई, पन। प्रत्यय से बने शब्द चूरा, खटका, बोजाजों का। आहट से बनाते हैं कड़वाहट और चिकनाहट। विशेषण वाले, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय से बने शब्द, ये प्रत्यय हैं और ये शब्द हैं। आवना यानी कि डरावना, लुभावना, सुहावना। कोई भी एक उदाहरण आपको समझ में आ जाता है जिससे, जैसे ईयल है, अड़ियल, दड़ियल, मरियल, सड़ियल। विशेषण वाले हैं, कहते हैं ना वो तो बहुत अड़ियल है, तो विशेषण ही तो है। स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय हिंदी के, यानी कि आनी, जिठानी, देवरानी, नौकरानी, जिठानी। देखिए, आनी, जिठानी, देवरानी, नौकरानी, सेठानी। आनी से बन गए जेठ से जिठानी, देवर से देवरानी, नौकर से नौकरानी और सेठ से सेठानी। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, जैसे कि आइन, चौबाइन, पंडिताइन, बबुआइन, ललाइन, इसी तरह तो करते हैं हम। फिर आता है आपका ई, या, इन और नी। जैसे घोड़ी, घोड़ा का घोड़ी, गीदड़ का गीदड़ी, बेटा का बेटी, हिरण का हिरनी। ई लग गया, स्त्रीलिंग बन गया। फिर है अरबी फारसी के प्रत्यय, ये तो हिंदी के थे। ठीक है, अब आ गए अरबी फारसी के प्रत्यय। तो ई, कार, खाना, दान, दानी, दारवान, ये हैं आपके संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। दोस्ती, नेकी, सफेदी, हंसी, ये सभी संज्ञा हैं। कोई उसकी कौन है, दोस्त है, दोस्ती। कलमदान, चिरागदान, पानदान, रोशनदान। फिर दार ले लेते हैं, देनदार, लेनदार, दमदार, मालदार। ठीक है बच्चों, आपको ये अच्छी तरह से समझने के लिए इनको याद करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। फिर है आपका विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, प्रत्यय और ये प्रत्यय से बने शब्द ई, दार, बंद और वार। अरबी, कानूनी, खूनी, गुलाबी। फिर है दार, चमकदार, फलदार, रिश्तेदार, समझदार। फिर हम लास्ट का ले लेते हैं वार, नंबर वार, घंटे वार, भाषा वार। नंबर वार यानी कि एक के बाद एक, जब कहते हैं ना कि आप अपने लाइन में खड़े रहिए और नंबर वार आपका नंबर आ जाएगा, तो ये होता है क्रम अनुसार। ये बच्चों यहाँ पे एक कॉलम बना है जहाँ लिखा है आओ दोहराएं। तो ये आपको पढ़ना है, इसमें कुछ मेन पॉइंट हैं जो आपको हमेशा लर्न होने चाहिए, इसको आप जरूर याद करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आपके पीछे चैप्टर के बाद आपकी बुक के पीछे ये कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ एक एक उदाहरण करके दिखाऊंगी, आप उसी तरह से बाकी भी करेंगे। यहाँ लिखा है नीचे दिए गए उपसर्गों से दो दो नए शब्द बनाइए। जैसे ये अधि लिखा है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, अ अधिकार हो गया, अधिकार अधि से बन गया। फिर नीचे है, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ पे शब्द जोड़ना था, यहाँ पे उपसर्ग जोड़ना है। वहां पे उपसर्ग दिया था, यहाँ पे शब्द दिया है, तो ये रूप लिखा है, उपसर्ग जोड़ना है, तो क्या बनाए गए हम, कु रूप। एक और बता देती हूँ, जैसे ये लिखा है गुण, तो अव गुण। इसी तरह से आपको ये करने हैं।
फिर उसके बाद आपका आता है मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके लिखिए। ये लिखा है अत्यंत, तो इसमें अत और अंत, अभी और मान, ज्वल, नीम, एक आपको मैं करके दिखाऊंगी। तो इसका पहला उदाहरण है आपका अत्यंत, तो इसका मूल शब्द क्या है बच्चों? अंत, क्योंकि उपसर्ग पहले लगते हैं तो अंत का है उपसर्ग, इसमें है अति, ठीक है। फिर उसके बाद है, इसी तरह से आपको ये करने हैं बाकी के। फिर है नीचे दिए गए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। अब प्रत्यय, अत्यंत, जैसे मैं इसका दिखाती हूँ आपको, आलू, तो प्रत्यय पीछे लगते हैं तो दयालु, ठीक है। ये यहाँ पे उपसर्ग वाला इन्होंने शब्द एक दे दिया है, ये बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय जोड़ना है, प्रत्यय यानी कि पीछे जोड़ेगा, तो यो, इक, योगिक, ठीक है। एक और बता देती हूँ, गुरु, त्वा जोड़ दिया इसमें हमने प्रत्यय, तो गुरुत्व बन गया। नीचे दिए गए मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करिए। मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है, देखिए फिर से अत्यंत इन्होंने दिया। लोभ मूल शब्द है इसका, लोभ, और यहाँ पे आ जाएगा ई, लोभी, ठीक है। इसी तरह से आपको ये आगे के बाकी के उदाहरण जो हैं, जो क्वेश्चन है आपको, क्या आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा, ठीक है। आप इसको रीड करिए, ये सब आपको लर्न हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी टिपिकल नहीं है, प्रैक्टिस करने से सब आ जाता है, ठीक है बच्चों। ओके बाय।